बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लेज। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे विवो का Y33 फोन में स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन सेटिंग को गाइस कैसे एनेबल करके अपने एक सिंगल डिस्प्ले को गाइस डबल डिस्प्ले बना के गाइस कैसे यूज करेंगे। गाइस अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, गाइस अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप हो गया जैसे कि फेसबुक हो गया यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई कॉल या फिर कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी मैसेज आता है तो गाइस आप वहां से ऑल बैक होके तब जाकर उस कॉल को या फिर गाइस मैसेज नोटिफिकेशन को चेक करके तब गाइस आप दोबारा से उसको ओपन करते हो। ठीक है, ऐसा गाइस कुछ नहीं करना, आप गाइस यहां पे स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन सेटिंग को गाइस एनेबल कर देंगे। अगर आप व्हाट्सएप गाइस यूज करते रहेंगे, अगर आपके पास कोई भी मैसेज कोई भी कॉल कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहां पे गाइस 3 फिंगर से अपने फोन में स्लाइड करके और गाइस अपने स्क्रीन को डबल स्क्रीन बना सकते हो सिर्फ स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन सेटिंग को एनेबल करके। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिलेगा और आपको देखिए स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन सेटिंग को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को गाइस ओपन कर लेना है। यहां गाइस देखिए हम सेटिंग को ओपन कर दिए। सेटिंग को ओपन करने मतलब आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाना है। यहां एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, यहां पर गाइस आपको क्लिक करना है। यहां गाइस आप क्लिक करेंगे आपको यहां पे 6-7 ऑप्शन खुल के यहां पे एनेबल होंगे और आपको क्लिक करना 2 नंबर पे मिलेगा आपको स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक है, यहां 2 नंबर पे गाइस आपको क्लिक करना है। यहां गाइस एक्चुअली आप जब क्लिक करते हैं आपको मिलेगा इनेबल स्क्रीन सेलेक्ट का ऑप्शन, तो गाइस यहां फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और यहां देखिए आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा 3-4 ऑप्शन जो कि है। आप यहां पे गाइस 3 फिंगर से भी कर सकते हैं और गाइस यहां क्लिक करके रखे रहेंगे फिर भी आपका फोन हो जाएगा, ऊपर भी क्लिक करके रखेंगे फिर भी आपका फोन यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां देखिए आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा स्लाइड विद 3 फिंगर टू सेलेक्ट द स्क्रीन, यहां पे इसको ऑन करना, उसके नीचे वाली सेटिंग को भी दोनों को सेटिंग को ऑन करना है और आप नीचे करेंगे व्हाट्सएप मिलेगा फेसबुक मिलेगा मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा। यहां देखिए हम सेटिंग को ऑन कर दिया, अब यहां से बैक आ गए, बैक आ चुका और अपने फोन को हम यहां पे सेलेक्ट करके दिखाएंगे। एक सिंगल स्क्रीन को डबल स्क्रीन बना के आपको बिल्कुल दिखाते हैं। तो हम देखिए यहां पे अपने फोन में व्हाट्सएप गाइस ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन कर दिया, आपको 3 फिंगर लेना और नीचे से गाइस स्वाइप करना। ठीक है, नीचे से गाइस स्वाइप करेंगे और आपकी स्क्रीन गाइस यहां पे डबल स्क्रीन बन जाएगी। यहां पर देखिए गाइस बन चुकी है। अगर हम यहां पे कोई भी चीज ऊपर भी यूज कर सकते हैं यहां पे व्हाट्सएप अपना और यहां पर नीचे अगर कोई भी चीज हम यूज करना चाहेंगे तो यहां गाइस नीचे भी हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चाहे कोई हमारा मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, डिले जो यूट्यूब हो गया, कोई भी चीज अगर हम यूज करना चाहेंगे यहाँ पे नीचे गाइस यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे गाइस सेटिंग करके अपने विवो का Y33 फोन में स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन सेटिंग को एनेबल करके यहाँ पे गाइस एक सिंगल स्क्रीन को डबल स्क्रीन बना के गाइस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।